गाइस, तो आज की बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो जबरदस्त तेजी हुई है, 21,890 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, 21,900 के आसपास। यहाँ पे 247 पॉइंट्स की शानदार तेजी, 1.14% इंडेक्स ही भाग गया आज, ठीक है। बात करते हो होल्डिंग्स, यहाँ पे देख सकते हो 7 होल्डिंग्स है मेरे पास। इन्वेस्टेड वैल्यू 69,651 है। आप बहुत लोगों को पता होगा क्यों इतना कम हो गया, ऑब्वियसली मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है काफ़ी सारे, जैसे कि HCL टेक्नोलॉजीज में मैंने लगभग 1200 रुपये का प्रॉफिट किया, TCS में 800 रुपये का प्रॉफिट किया, वहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया अपना। उसके बाद इन्फोसिस इसमें लगभग 400 रुपये के ऊपर प्रॉफिट था, उसमें प्रॉफिट बुक किया। एंड वेदांता में 1600 रुपये का पहले से ही बुक किया हुआ है, ठीक है। तो इनमें मैंने बुकिंग किया। अब मैंने कौन से नए शेयर्स किए थे, चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए करंट वैल्यू की बात करते हैं, तो 71,326 रुपीज़ के आसपास है। टोटल रिटर्न की बात करते हैं, 1,675 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न से 2.141% की तेजी है। वो एक दिन के रिटर्न की बात करते हैं, 664 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न से 0.94% की तेजी है। सबसे पहले बात करते हैं पावर ग्रिड इंफ्रा की, तो यहाँ पे देख सकते हो शानदार तेजी है, 4.5% के आसपास की तेजी है स्टॉक में, 1,447 1,500 रुपए के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं। नेस्ले इंडिया में यहाँ पे पहली बार मैंने नेस्ले खरीदा है, 4 शेयर्स मैंने बाई किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 39 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न्स आज ही बन रहे हैं, 0.39% की तेजी है। उसके बाद मैंने बात किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इससे पहले भी मैंने इस स्टॉक को बाई किया हुआ था, वहाँ पर मुझे जो है लगभग 600 रुपये से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ था, वहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया था, वापस से मैंने इसमें एंट्री ली है। अब देख सकते हो 100 रुपये ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1% की तेजी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव है, 85 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न से 1.46% की तेजी है। ITC में अच्छी खासी रिकवरी आई है, यहाँ पे वापस 23 रुपये की ही गिरावट है, 0.55% डाउन है। पॉलीकैप इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 18 रुपये डाउन है, 0.47% की तेजी है। इसमें मैंने फ्रेश बाइंग करी है क्योंकि आपको पता होगा न्यूज़ के चलते इसमें 20% से लगभग 30% स्टॉक करेक्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, डेफिनेटली SIP करना चाहिए। मेरिको की बात करें, यहाँ पे 45 रुपीज़ के पॉजिटिव रिटर्न से 1.23% की तेजी है। तो ये रहा पूरा पोर्टफोलियो का अपडेट। आई होप को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए, किसी वीडियो से आपको मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।